हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पे प्रेजेंट है ऑल न्यू होंडा हॉर्नेट 2.0 का बिल्कुल ही न्यू 2022 मॉडल, जो कि फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे चेंजेस के साथ अभी आया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे हॉर्नेट की बैजिंग जो है वो आपको यहाँ पे न्यू मिल जाती है और बाइक देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। तो अभी हम इसे राइड भी करने वाले हैं, आपको राइडिंग एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि बाइक जो है वो कैसा कम्फर्ट डिलीवर करती है और बाइक का जो पावर है वो आपको कैसा मिल जाता है। तो ये फ्रेंड्स 180 सीसी सेगमेंट की ऑफरिंग है यहाँ पे होंडा की तरफ से और ये काफ़ी रिफाइंड इंजन के साथ आ जाती है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे टैंक आपको काफ़ी मस्कुलर मिल जाता है और इसका मीटर जो है वो कुछ इस टाइप से यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं बाइक को। सबसे पहले आपको राइड एक्सपीरियंस जो है वो दिखाते हैं कि बाइक चलाने में कैसी लगती है। तो सबसे पहले आप एग्जॉस्ट नोट सुन लीजिए बाइक का। तो काफ़ी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रिफाइंड एग्जॉस्ट नोट आपको मिलता है। तो चलिए पहले एक बार राइड कर लेते हैं। ये हमारी एमटी खड़ी है और ये बाइक हमें प्रोवाइड करवाया है सौरिया होंडा ने, आप देख सकते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आपको बाइक लेना है, गिरिडीह एरिया से बिलोंग करते हैं, तो सौरिया होंडा में आकर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बाइक जो है वो फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है। अगर आप सेगमेंट के हिसाब से यहाँ पे देखते हैं तो आपको अच्छा ये परफॉर्मेंस डिलीवर कर देता है और लगभग में यहाँ पे 17 bhp के अप्रॉक्स में आपको जो है वो पावर मिल जाता है और कंपनी यहाँ पे 16 nm के अप्रॉक्स का आपको टॉर्क ऑफर कर देती है। तो पावर और टॉर्क अगर आप देखते हैं तो वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फील भी होता है बाइक राइड करने के टाइम पर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसके सिटिंग पोस्चर के बारे में तो काफ़ी ज़्यादा अपराइट बैठा हुआ हूँ मैं, जिससे कि इसका कंफर्ट जो है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे फील होता है। और अगर बात करते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स पोजीशनिंग के बारे में तो आप देख सकते हैं पैर वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छे ढंग से यहाँ पर टक इन हो जाता है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। टैंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर है इसका, तो कम्फर्ट को लेकर यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है। हैंडल बार जो है वो अपराइट सेट किया हुआ है, जिससे कि यहाँ पर कम्फर्ट को लेकर दिक्कत नहीं होता है और थोड़ा सा भी यहाँ पर डाउन शिफ्ट हमें नहीं होना पड़ता है। बाकी अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो अभी आप देख ही सकते हैं पिकअप जो है वो काफ़ी अच्छा है। आपको हम दिखा देते हैं थोड़ा सा, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा जो है बाइक पुल कर लेता है। बाकी सस्पेंशंस की अगर क्वालिटी की बात करते हैं तो सस्पेंशंस भी काफ़ी अच्छे ढंग से यहाँ पर सेट है। मतलब आपको ये एक ज़रा भी फील नहीं होगा कि आपको जो है वो बाइक अनकम्फर्टेबल लग रही है।